चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। भारत को अल्टीमेटम दिया गया चीन के द्वारा, सी जिनपिंग इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। पीएम मोदी को कह दो अगली बार ऐसा न करें। जानेंगे ये अल्टीमेटम क्या दिया गया है और बदले में भारत ने ताइवान के संग खेल कैसे कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। भारत ने गजब का रिएक्शन दिया है, एक ऐसा दर्द जिसे चाइना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये, चाइना ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चाइना ने ठगा नहीं। हर एक किसी को चाइना ठगता ही है और खास तौर पर चाइना के अंदर एक पैटर्न देखा गया है और वो पैटर्न क्या है कि चाइना उसी हाथ को सबसे पहले काटता है जो हाथ उसे खिलाता है। और ये मामला चाहे ताइवान का हो, ये मामला चाहे अमेरिका का हो, दोनों के केस में हमने बड़ा एग्जाम्पल देखा। आपके दिमाग में सवाल आएगा ताइवान चाइना को खिलाता है, ऐसा कैसे? ताइवान चाइना के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 1991 से लेकर 2021 तक चाइना के अंदर सैकड़ों बिलियन डॉलर लगाए हैं ताइवान ने। ताइवान ने करीब 200 बिलियन डॉलर लगाए हैं। और चाइना और ताइवान के बीच जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, 273 बिलियन डॉलर का होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान ने कितना पैसा चाइना के अंदर लगाया है। लेकिन जिस पैसे से खा पी कर मोटा हुआ ये सीसीपी, अब उसी ताइवान को कब्जाने के चक्कर में है। वैसा ही केस अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया चाइना के अंदर, चाइना उस इन्वेस्टमेंट को खाता गया और इकोनॉमिक तौर पर एक बड़ा जाइंट बनता चला गया। और अब चाइना क्या कर रहा है? अब चाइना ये कर रहा है कि उसी अमेरिका को सुपर पावर की पोजीशन से हटाकर उसकी पोजीशन में खुद बैठना चाह रहा है। अब ये जो है, ये सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी का एक लंबा गोल होता है, ये पहले से ही प्लान कर चलते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि लोकतांत्रिक देशों की तरह जब सरकार बदलती है तो नीतियां भी बदल जाती है। इनकी नीतियां हमेशा एक जैसी रहती है और वही सीसीपी के साथ देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने भारत को एक अल्टीमेटम दिया है। वैसे आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें हम देख सकते हैं, जैसे कि ये एक तस्वीर, ये 2013 की तस्वीर है जब डर्बन में ब्रिक्स समिट हो रही थी और जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति के रूप में पहुंचे थे। और अगले ही महीने यहाँ पर मुलाकात देख सकते हैं। और अगले ही महीने क्या होता है, दौलत बेग ओल्डी में पॉइंट 10 से 13 तक भारतीय पेट्रोलिंग पर रोक लगा देती है। मनमोहन सिंह और सी जिनपिंग की ये मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद चाइना ये एक्शन लेता है। अभी ठहरिए, चाइना का और भी रूप आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीर है 2014 की, मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती है, पीएम मोदी आते हैं। और लोकतांत्रिक सरकारों का ये नियम होता है कि वो कोशिश करते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं और अपने हिसाब से नए नियम बनाते हैं। 2014 में जिनपिंग को पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में बुलाया, यहाँ पर इनको सम्मान दिया और बदले में जिनपिंग ने क्या किया, देमचौक और चूमर इलाके में अतिक्रमण किया, भारतीय सेना के साथ लंबे समय तक स्टैंड ऑफ रहा। पीएम मोदी ने कोशिश की थी चाइना के साथ चीजों को सुधारने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2016 में भारत के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी कि एनएसजी में शामिल होने पे अड़ंगा लगा दिया चाइना ने। 2017 में जिनपिंग के इशारे पर पीएलए ने भारत भूटान चीन के ट्राई जंक्शन डोकलाम में अतिक्रमण किया और 2020 में गलवान घाटी हुआ, जहां अब तक भारत बहुत कुछ सीख चुका था और भारत ने कूट कूट कर मारा। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक ऊपर का रास्ता देख गए कि 2014 के बाद भारत समझ चुका था कि चाइना एक ऐसा देश है जो बॉर्डर के विवाद को हल नहीं करेगा। अब हुआ क्या, बाली की ये तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आई और ये वांगी ने उठाया इस बात को। वांगी ने कहा कि पीएम मोदी
और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी और इस बातचीत में एक नतीजे पर बॉर्डर के मामले में पहुंचा गया था। अब यहाँ इन्होंने कहा, तब जब अजीत डोभाल बहुत हार्ड शब्द कड़े शब्द में बता रहे थे कि जब तक बॉर्डर का डिस्प्यूट हल नहीं होगा तब तक हम तुम्हारे साथ व्यापार या और किसी बात पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस मीटिंग में भी वांगी बार बार चाह रहे थे कि भारत व्यापार शुरू कर दे। अब यहाँ पर बाली में इन्होंने समझाने की कोशिश की कि बॉर्डर पर हमने बातचीत की है, लेकिन भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि देखो यहाँ वैसी कोई बात नहीं हुई है जो चाइना बतलाना चाह रहा है। यहाँ दरअसल सिर्फ एक कूटनीतिक रूप से जो हाय हेलो होता है वही हुआ है और उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब होता क्या है, पीएम मोदी अगर कभी भी मिलते हैं चाइना के सी जिनपिंग से तो वो अक्सर दो तीन चीजों पर बात करते हैं, पाकिस्तान, आतंकवाद और बॉर्डर। इसे लेकर अब जब चूंकि बार बार ये मुद्दा भारत उठाने लगा है तो चीनी इंटरलोक्यूटर्स ने भारतीय समकक्ष से कहा है कि देखो भारतीय प्रधानमंत्री हर बार सुप्रीम लीडर सी जिनपिंग के सामने सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हैं, ये नहीं उठाना चाहिए। क्यों? मतलब बॉर्डर की बात मत करो, सिर्फ बात करो व्यापार की, सिर्फ बात करो मेरे हित की, तुम्हारे हित की नहीं। भारत को ये अल्टीमेटम दिया गया। जहां भारत को ये अल्टीमेटम दिया गया उसके उलट भारत ने क्या किया, भारत ने ताइवान के साथ मिलकर सबसे बड़ा गेम खेला। ताइवान पर कभी भी इस तरीके का हमला नहीं करेगा चाइना जिससे कि ताइवान तबाह हो जाए, क्योंकि चाइना को ताइवान पूरा का पूरा चाहिए, सेमीकंडक्टर प्लांट्स के साथ चाहिए, ये नहीं कि उनकी फैक्ट्रियां तबाह हो जाएं और उनके सामान तबाह हो जाएं। भारत और ताइवान ने व्यापार को बढ़ा दिया है। ताइवान जो इन्वेस्टमेंट चाइना में करता था अब ताइवान ने वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल कर भारत की तरफ देना शुरू कर दिया है। जहां पर पहले ही क्वार्टर में ताइवान ने चीन से 10% कंपनियां निकाल ली है, वहीं भारत के साथ बहुत तेजी से व्यापार बढ़ रहा है। 21% की रफ्तार से भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ताइवान अब चाइना को छोड़कर एशिया के कई देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे एशिया के कई देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर भारत उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में मुंबई में ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर खोला गया। ताइवान का ये तीसरा सेंटर है, एक नई दिल्ली में है, एक चेन्नई में है और अब मुंबई में खोला गया। भारत ने वन चाइना पॉलिसी को एक तरफ ताक में रख दिया और सबसे पहले भारत ने अब ताइवान के साथ बहुत बोल्ड तरीके से व्यापार शुरू कर दिया। ताइवान वहां से निकल रहा है और भारत उसे अपने घर में जगह दे रहा है। पहले ताइवान का इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत कम हुआ करता था, समझ लीजिए $1 बिलियन 2001 तक होता था, लेकिन आज करीब करीब $10 बिलियन पार कर चुका है। भारत और ताइवान के बीच संपर्क कैसे बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 150 ताइवानी कंपनी भारत पहुंच चुकी हैं। ताइवान और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्ट्राइक गोल्ड जो भारत ने किया है ताइवान के साथ। आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।